Hello students, we will do sums in this exercise 1.3 related to integers. Children, you can see in a class test containing 10 questions, 5 marks are given for correct answers and minus 2 are given for incorrect answers and 0 for not attempted. मतलब अगर आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं करेक्ट 5 मार्क्स विल बी गिवन फॉर करेक्ट एंड माइनस 2 विल बी गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स एंड यू कैन सी देन दे विल बी एडेड देन यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल स्कोर. नाउ रिलेटेड टू दिस लेट्स डू वन एग्जांपल. मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर्स एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स. So we have to find out his total score. Let's do children. So total number of questions कितने हैं? Total number of questions that is equal to 10. Okay. Now marks for correct answer. अगर मोहन ने 4 करेक्ट आंसर्स किए हैं तो उसको हर क्वेश्चन में कितना नंबर मिला? 5 मार्क्स मिला. तो टोटल उसके कितने हो गए? 4 मल्टीप्लाई बाय 5. सो मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 20 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स. क्योंकि उसने टोटल 4 क्वेश्चन किए हैं और हर क्वेश्चन में उसको कितने मार्क्स मिले हैं? 5 मार्क्स मिले हैं. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4. नाउ मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स दैट इज अब उसने कितने इनकरेक्ट आंसर्स किए हैं? 6 क्वेश्चन उसके रॉन्ग है और हर क्वेश्चन में उसको कितना मिला? -2. तो -2 मल्टीप्लाई बाय 6. अब उसके कितने मार्क्स चले गए इसमें? -12. ही गेट्स -12. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हिज टोटल स्कोर. सो ही हैज अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस 6 + 4 = 10 क्वेश्चंस. सो वी विल फाइंड आउट हिज टोटल स्कोर. सो मोहन्स टोटल स्कोर इज 6 + 4 = 10 हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. सी चिल्ड्रन, 20 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स और -12 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. तो उसका टोटल स्कोर कितना हो गया? 8. सो मोहन्स टोटल स्कोर इज 8. So children, I think that is enough for today, and I will give you assignment also related to this word problem only. So thank you children, take care of yourself.